नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, उसके बाद हमारा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, सो दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट हमारा हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, तो इसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जैसे राइस हुआ, ब्रेड, पोटैटो, कॉर्न, सीरियल, शुगर आर फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो ये हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। ठीक है, वी शुड ईट इनफ कार्बोहाइड्रेट एवरी डे और वी विल गेट टायर्ड ईजली। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो हम क्या होते हैं, थक जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फैट। फैट फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी हमारा क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। दे गिव मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट, ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। ऑयल फाउंड इन सीड, बटर फ्रॉम मिल्क एंड फैट फाउंड इट मीट आर एग्जाम्पल ऑफ फैट। इन सबसे हमें फैट होता है, तो वी शुड ईट इनफ फैट एज दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। अगर हम ज़्यादा फैट वाला सामान खा लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, गर्म हो जाती है। इफ़ वी ईट टू मच फैट इट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक अस अनहेल्दी। अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो हमारा जो बॉडी स्टोर करता है वो हमें हमारे लिए नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड अप द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग आवर मसल्स, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारा प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। जैसे मीट, फिश, चीज़, एग, बीन्स आर फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी होता है इसमें भी। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट फूड विथ इनफ प्रोटीन सो दैट दे कैन ग्रो हेल्दी। अगर ये हम खाते हैं तो हमारे जो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। जैसे हमारा बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स होता है और हमारे ये हमें हमारे बॉडी को डिजीज से, जो बीमारियाँ उनसे प्रोटेक्ट करता है। ए बी सी डी ई एंड के आर द सम इम्पॉर्टेंट विटामिन होते हैं। कैरेट कंटेन विटामिन ए, विटामिन में गाजर में होता है, लेमन ऑरेंज में, विटामिन सी और विटामिन डी सनलाइट में। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड पोटेशियम आर ऑल्सो मिनरल्स, ये हमारे मिनरल्स है। वी शुड ईट फूड दैट कंटेन दीज मिनरल्स। स्पेनिश कंटेन आयरन, मिल्क कंटेन कैल्शियम एंड फ्रूट लाइक ऑरेंज कंटेन पोटेशियम। वी गेट आयोडीन फ्रॉम सी फूड एंड सॉल्ट। हमें आयोडीन जो है सी फूड से भी मिलता है और सॉल्ट यानी नमक से। सी फूड यानी जो समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं, फिर बहुत सारे जानवर होते हैं वो भी बहुत लोग खाते हैं ना, उसी को बोल रहा है। वाटर वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, पता ही है वाटर के बिना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, वी कीप आवर बॉडी हेल्दी वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। हम एक दिन में 8 से 10 ग्लास वाटर रोज पीते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। इन समर देन वी गेट स्वेट अ लॉट, वी ड्रिंक मोर वाटर। हमें समर में ज़्यादा पसीना होता है तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फूड सच एज वाटरमेलन एंड कुकुम्बर कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। कुकुम्बर और वाटरमेलन भी खाना चाहिए जिसमें बहुत सारा पानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉगेज। डर्टी फाइबर्स आर और रॉगेज इज द पार्ट ऑफ फूड दैट इज वेरी यूजफुल इज रिमूविंग वेस्ट आउट आवर बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो वेस्ट रिमूव करने के लिए होता है, जो हम खाते हैं या फिर जो मतलब ऐसे ही रहते हैं, उनसे कोई डाइजेस्ट होता है, सिर्फ उसका कोई मतलब नहीं होता है। वी शुड ईट सम फूड दैट कंटेन डाइट्री फाइबर्स। फूड जैसे ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स। इन सब में फाइबर्स होते हैं। ठीक है,